हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग 5:30 बजे। पहले ना मैं आटा लगा लेती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, बाकी का काम बाद में करूँगी क्योंकि सब्जी बनानी है मुझे गोभी की। तो मैं पहले फूल गोभी को काट के उसको गर्म पानी में डाल दूँगी। तो फिर मैं कुछ अच्छा खाने का बड़ा मन कर रहा था, बच्चे तो बोल रहे थे समोसे खाने, मैं क्या मैं कुछ घर पे कुछ हेल्दी सा बना लेते हैं क्योंकि वेजिटेबल तो पड़े हुए थे। तो फिर मैं बंद गोभी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है अच्छे से धो के, और शिमला मिर्च को भी मैंने चॉप कर लिया था, साथ में प्याज थे मेरे पास, पनीर, ये सब चीज़ें पड़ी हुई थी घर पे ही। तो बच्चे अभी पढ़ रहे थे क्योंकि उस टाइम शाम का जब बच्चे आते हैं 3 बजे आते हैं, खाना वाना खा के वो 3:30 हो जाते हैं उनको खाते हैं, तो बच्चे फिर पढ़ाई में अपना पढ़ रहे थे, जो उनको होमवर्क वगैरह स्कूल से मिलता है वो वर्क वगैरह कर ही रहे थे अंदर बैठे। तो मैं यहाँ पे अपने किचन में काम निपटा लेती हूँ। तो उनको भी नहीं पता था कि मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं कहा चलो अपनी सोच से कुछ बना लेते हैं तो हेल्दी सा बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है यहाँ पे। फिर मैं बनाने की तैयारी, मैंने पहले पैन में ऑयल लिया, आप कोई भी ऑयल ले लो, रिफाइंड ले लो, बटर ले लो, सबसे बेस्ट है बटर, तो और भी ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो मेरे पास नहीं था तो मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें मैंने डाल दिए हैं छोटे छोटे प्याज, और प्याज हल्के से ब्राउन हो जाए तो उसके अंदर शिमला मिर्च डाल दो, और फिर उसके अंदर छोटा छोटा चॉप करके हम टमाटर डालेंगे, थोड़ी देर मतलब नमक डाल के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से पका लेंगे। मिक्सर भुन के रेडी है, अब इसमें हम डालेंगे मसाले, बेसिक मसाले भी डाल सकते हैं हम, जैसे मैंने लाल मिर्च ली है, हल्दी लिया है, भुना हुआ जीरा लिया है, चाट मसाला लिया है, और जो अपना गर्म मसाला होता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और इसमें मैं केचप डालूंगी, आप सेजवान सॉस भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता, मेरे पास नहीं था तो मैंने ये डाला। और मैंने सुबह उबाले थे आलू, बच्चों के स्कूल जा रहे थे टिफ़िन के लिए परांठे बनाए थे, तो मैंने 2-4 आलू बचा के रख लिए थे, तो ये मैंने आलू इसमें घिस के डाल दिए हैं। देखिए मिक्सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा मिक्सर रेडी हो गया है। अब हम इनको इसको साइड में रखेंगे और उतारेंगे 3-4 फुलके। मैं रोटी का बना रही हूँ, कई लोग मैदे का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैं हेल्दी खिलाना चाहती हूँ बच्चों को, तो मैं यहाँ पे रोटी बनाई थी मैंने पतली पतली सी, और फिर मैंने इसके ऊपर म्यूनिस लगाया। म्यूनिस का ना एक क्रीमी सा टेक्चर आता है और टेस्ट बहुत बहुत बढ़िया आता है, और जो मैंने मिक्सर तैयार किया था वो मैंने इसके बीच में रख दिया है। फिर मैं इसके ऊपर रखूँगी जो सॉरी ये अपना पनीर घिस के, और फिर मैंने रख दिया है इस पर बंद गोभी, और फिर चीज़ डालेंगे इसके ऊपर और रोल कर देंगे इसको। तो फिर आप चाहे ऐसे भी खा सकते हैं इसको, चाहे आप इसे सेक कर खा सकते हैं, तवे पे अच्छे से सेकिए, क्योंकि सेकने का ये होता है कि जो इसमें हम चीज़ डालते हैं ना वो अच्छे से मेल्ट हो जाती है। कहीं ऐसे भी खा सकते हैं, अपनी अपनी सबकी वो है ना। तो जी यहाँ पे मेरे दोनों रोल रेडी हो गए हैं, और दो मैंने बच्चों के लिए ही बनाए थे, एक अपने लिए बनाया था क्योंकि डैडी मम्मी खाते नहीं है, दांत होते हैं तो ये सब चबाया जाता है, बट नहीं हम लोग ने 3 ही बनाए थे, तो इनके पापा घर पे थे नहीं उस टाइम, मैं कहा जब वो आएंगे तो उनके लिए मैं गर्म गर्म बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनको तवे पे अच्छे से क्रिस्प कर लिया है, बहुत टेस्टी बन गए थे ये।
खाना पीना हो गया था बच्चों का और इनके पापा भी आ गए थे, सब ने खाना खा लिया, सिर्फ मम्मी डैडी रह गए थे क्योंकि वो ना शॉप से बहुत लेट आते हैं, उनको 10:30 का टाइम हो जाता है। कई बार डैडी जल्दी भी आ जाते हैं तो उनको मैं जल्दी खाना दे देती हूँ, तो उनके लिए मैंने खाना बना के रख दिया है। बच्चों को जल्दी खिलाना होता है कि स्कूल की वजह से कि जल्दी उठते हैं तो जल्दी सो जाएं, लेकिन फिर भी पढ़ते पढ़ते उनको यही टाइम हो जाता है, 11 तो बज ही जाते हैं। तो मम्मी आती है तो उस टाइम फिर मम्मी अपना खाना वाना खाती है, तो वो फिर भी और भी फिर काम होता है उसके बाद भी, बर्तन हो गए तो कई बार मम्मी कर देती है साफ भी, चलो मेरी मेरी प्लेट है तो मैं कर लूँगी, अदरवाइज मैं ही सारे करके बर्तन वगैरह सोती हूँ। तो यहाँ पे हो गया था अपना काम, बट ये कपड़े हैं ना सारे धोने वाले, देख हमारे आज धोने वाले कितने सारे कपड़े पड़े हैं। ये थे मैंने सुबह बेडशीट वगैरह निकाली, ये देखो ये सारे पड़े हैं, और ये मशीन लगाई थी सुबह, गेहूँ पीस ली थी मैंने, ये रोटी के कपड़े हैं जो मैंने धो दिए गिल्ले हैं अभी, और इसमें गेहूँ है, गेहूँ बली है, गेहूँ रखी हुई है इसमें, ये पीसने है, इसको सुबह पीसूंगी, बाकी की पीस रखी है वो निकाल लूँगी मैं। हाँ बेटा इसको ऊपर रखा हो, धोने के है ना सारे निकाल लो, निकाल निकाल मशीन पे रखा है, बाहर वाली मशीन पे है दीशु, ये सूख गया बेटा, ये मैंने धोया था देखो कितना सुंदर हो गया, अभी निकालो टूट जाएगा, इसको मेरा सॉक्स पहन के रखा करो, ठंड पता कितनी हो रही है, ये तो कपड़े भी नहीं पहनती, इसको तो जबरदस्ती पहनाने पड़ते हैं कपड़े भी, हाँ ये आज ही पहने हैं। हाँ बेटा जो इधर वाली मशीन बाहर पड़ी है उस पे डाल दो। तो जी हम तो निपट चुके हैं अपने किचन के काम से, बर्तन बर्तन हो गए, खाना हो गया, सब हो गया। तो जी ये था मेरा इवनिंग व्लॉग, आपको कैसा लगा, मेरी न्यू रेसिपी कैसी लगी, बच्चों को तो बहुत टेस्टी लगा, मैंने भी खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगा, जहाँ इन्होंने एक खाना था वहाँ इन्होंने दो दो खा लिए, और इन्होंने ये गुड़िया बोल रही बड़े वाली कितनी, मेरे तो बहुत पेट फुल हो गया, ज़्यादा खा लिया तभी तो बोल रही है आप एक बार ट्राई करके देखना। मैंने दोबारा फिर बना के दिए इनको, पहले मैंने दो ही बनाए, तीन बनाए थे, एक अपने लिए बनाया, दो इनके लिए बनाया, तो इन्होंने बोला मम्मी ये दो दो एक एक और बना दो, फिर मैंने एक एक और बनाया इनके लिए, उन्होंने खा लिया, ज़्यादा टेस्टी थे। आप बताना आपको रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ आप भी ट्राई करिए, खाइए और बताइए मुझे कमेंट में। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।